अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا लफजां दा वुज़ू करके दिल पाक सफा करना है। लफजां दा वुज़ू करके दिल पाक सफा करना है। ईमान दी छाननी ते हक बातिल तो जुदा करना है। लफजां दा वुज़ू करके दिल पाक सफा करना है। ईमान दी छाननी ते हक बातिल तो जुदा करना है। हसनैन दी नौकरी ते हैदर दा दिफा करना है। उस्मान दी इज्जत दा हर हाल हया करना है। एक नाम उमर दा घिन के शैतान दफा करना है। सिद्दीक दा जिक्र करके नस्लां दा पता करना है। ते जेड़ा हक ना मन्ने है दरनो ओ ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। ते जड़ा साजद उमर दा मुनकर है ओ शख्स जे दीन ते नहीं आया। जे सिद्दीक दा सच मशकोक है ता वल सच भी जमीन ते नहीं आया। अख खोल के कमला देख ता सही ए जहान हुसैन दे नाले। अख खोल के कमला देख ता सही ए जहान हुसैन दे नाले। सारा जग कुरान दे नालों दा कुरान हुसैन दे नाले। ते जालिम दे दिल विच जो भी है अरमान हुसैन दे नाले। कैनात दा गैरत मंद साजिद इंसान हुसैन दे नाले। शैतान खड़ा है एक पासे ईमान सहाबा नाल खड़े। शैतान खड़ा है एक पासे ईमान सहाबा नाल खड़े।
कैनात दा हर गैरतमंद इंसान सहाबा नाल खड़े ते कहीं पैसे घिन के लिखिए कहीं नशा करके लिखिए तारीख दे वर के पाड़ के सट कुरान सहाबा नाल खड़े इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों मेरे वास्ते इंतहाई सआदत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकज शायद कुछ लोगों की नज़र के अंदर सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम होवे मेरी नज़र के अंदर ये मरकज एक बहुत बड़ी तहरीक का नाम है। मैं दुआ करना अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ करना आया और दुआ घिनना आया। मैं तो को अपनी तकरीर दे शुरू विच एक मुख्तसर जिहा वाकया सुनांदा उस तो बाद तकरीर शुरू करे सो सबक सुनावन शुरू करे सो। मैं कई गैर मसलक दे घराने नाल ताल्लुक रखदा मेरा सारा घराना मेरे नाल मसलकी तौर दे उते इत्तेफाक नहीं करेंदा। एक भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अहले हदीस है और ओ भाई अहले हदीस होने की वजह मेरे उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख मुफ्ती आमिर करीम अतरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हां दा एक मनाजरा और इदारे दे ऐसे पोस्टर अल्हम्दुलिल्लाह जो हर मस्जिद के अंदर तुसा अहबाब को मिल वैसन। मैं बड़ा शौक रखदा के जेडे पोस्टर पढ़ के और जेडे जवाब दे के मेरा भिरा अहले हदीस है मैं उन्हों को मिलना ते सही नेट ते बड़ा सर्च मारे शेख साहब की तस्वीर नहीं मिली ये बड़ी देर की बात है हूँ शायद मिल वे एक दो लेकिन पहले मैं को तस्वीर नहीं मिली। मेरे प्यारे भाई फजीलत शेख अताउर रहमान साजे साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इन्हां नाल ताल्लुक बनया मुहब्बत हुई। मैं सिर्फ इस खातिर आया कि शेख यासीन राई साहब हाफिज़हुल्लाह ताला दा दीदार करे सा और उन्हां नाल मुलाकात करे सा। लेकिन एक मोमिन का अपना एक रोब होंदा है मोमिन दी ईमान दी एक अपना ताकत और कुवत होंदी है। पहली मरतबा मैं सफर करके कोटद्दू तो यामपुर आया लेकिन शेख साहब को दूरों देख किदा मुलाकात नहीं कर सकया। शौक आई दिल्ली तमन्ना आई तड़प आई दूजी त्रीजी मरतबा मैं शेख साहब नाल मुलाकात की है। आज पहली मरतबा सबक सुनावण दा मौका पिया मिलता है। तुसा ये देखो कि मैं मुलाकात तो डरदा हां ते तकरीर उन्हां दे सामने किवें थी सी। मैं इंशाअल्लाह अपने रब को दुआ भी की है और शेख साहब को भी दुआ की दरखास्त करे था इंशाअल्लाह उल अजीज चंद मिनटा दे अंदर सबक सुने सा तो चंद मिनट कई घंटे भी थी सकते मिनटा दे घंटे बन देना तुसा तवज्जो मेरी तरफ रखनी इंशाअल्लाह। मैं मुख्तसर जे वक्त दे अंदर इंतहाई कीमती बातां तुहाडा वक्त जाया ना करे तां जो मौजू मेरे जिम्मे लगाया गया सीरत ओ शहादत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो इन हवाले दे नाल चंद एक मारूजात पेश करना चाहना। मेरे तो कबल फजीलत ओ शेख फाजले नौजवान हजरत मौलाना अदनान असद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आ फैसलाबाद वो खिताब पे फरमाते हैं अहले बैत के हवाले दे नाल एक छोटी जी बात मैं भी ऐड कर रहा हूँ। अहले बैत सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा सैयदा शबाब अहले जन्ना जन्ती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा नौजवानों वास्ते बच्चियां वास्ते हर मुसलमान वास्ते उन्हां दी सीरत एक बेहतरीन नमूना है। तुसा चेक करो सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा दी खेलन दी इब्तिदा भी मस्जिद तो हुई है सैर दी इब्तिदा भी मस्जिद तो हुई है। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं पारा के सैर करन कहन वेले कई पारा के खेलन कहन वेले मैं नहीं पढ़िया उन्हां दी सीरत दे अंदर कई मैदान च खेलदे खड़े होवे। मैं जदा भी पढ़े सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा मासूम बाल चलदे चलदे ढह पौंदे
इतने मासूम हैं लेकिन उन्हां दी इब्तिदा भी मस्जिद तो थई है और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अनहु उन्हां दी जो शहादत हुई है वो भी नमाज और वजू दे अंदर हुई है। ये बहुत बड़ा सबक के सारे वास्ते सारी औलाद वास्ते कि सारी औलाद दा ताल्लुक अज मस्जिद दे नाल है या नहीं। एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि कोई मस्जिद दे अंदर आ वने बाल छोटी जी उंदे कोलो गलती थी पवे इंजा फतवा असा लैने हैं कि उंदा दादा ही मस्जिद च ना आवे उंदा पियो ही मस्जिद च ना आवे उंदा रिश्तेदार ही मस्जिद छोड़ वने ना। मेरे अजीज साथियों मस्जिद दे नाल सारी औलाद दा ताल्लुक सीरत हसन हुसैन दा सब तो अहम पैगाम ए है। अज बुजुर्ग मस्जिदां च नजर आंदन बाबा नाना होवे असा पिंड थां दे लोग आ देहात दे लोग आ साड्या मस्जिदां दे अंदर ते जेड़ी निवार बाबा कहीं दूर वाली जगह ते गया होया होवे सुबह दी अजान नहीं आउंदी वे सुबह दी अजान क्यों नहीं है बाबा अज इत्थे कोई ना यानी बाबे रह गए नजाना देवन वास्ते बाबे रह गए मस्जिद आबाद करने वास्ते ये जरूरी है। सीरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा दी सीरत दा ये पैगाम है बेहतरीन नमूना है तुहाडे मेरे वास्ते कि तुहाडे और मेरे बाल मस्जिद दी रौनक बनन उन्हां दा दिल मस्जिद दे नाल लगा होवे। मैं अपने मौजू की तरफ आवां सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दा नाम हुसैन लकब अबू अब्दुल्ला और नबी पाक कुनियत अबू अब्दुल्ला और लकब जो है सैयदुन शबाबे अहलिल जन्ना जन्नती नौजवानों दे सरदार वालिद दा नाम मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कोई हज नहीं मौला आखण च नबी पाक ने फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला असा मौला अली ते तकरीर करदे आ ए तकरीर क्यों नहीं करदे के मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौला ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौला ने सिर्फ अली मौला नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौला ने हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली ये मौला ने। बात हो रही थी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दे वालिद दा नाम अली और वालदा दा नाम सैयदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह तआला दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे कोल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी प्यारी सहाबिया सैयदना फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो दी मां जी उम्मो फजल रजी अल्लाह अन्हा आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि शरीफ दी रिवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ख्वाब सुनाइए अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रात मैं ख्वाब दिठे ख्वाब दे अंदर तुहाडे जिस्म दा एक टुकड़ा तुहाडे एक जिस्म दा एक हिस्सा तेरे जिस्म तो अलहदा हो के मेरी झोली दे अंदर आके डटे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया ख्वाब कोई दुख तकलीफ वाला नहीं ख्वाब खुशखबरी वाला है। मेरी बेटी सैयदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह अन्हा नु अल्लाह पाक एक बेटा अता करे सी ओ बेटा इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जेड़े वेले अता करे सी उको दूध तू पिले से उंदी परवरिश तू करे से ए ख्वाब दी ताबीर है। चार हिजरी हिजरत दे चौथे साल शाबान दे महीने दे अंदर मारूफ रिवायत दे मुताबिक सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी वलादत पाक हुई हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगे के मां फातिमा रजी अल्लाह अन्हा तमाम मोमना दी मां मां फातिमा रजी अल्लाह अन्हा नबी पाक दी बेटी दे घर दे अंदर एक बेटे दी पैदाइश हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ गिन गए आपने फरमाया अरूनी इबनी मैं को मेरा बेटा दिखाओ दे सही मैं को मेरा पुत्र दिखाओ दे सही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मासूम बाल चाह के आके दिखाए ने आपने फरमाया मा समईता हु या अली ए अली दा नाम क्या रखा है अल्लाह दे पैगंबर हरबे दा नाम रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया समईतुहु हुसैना मैं इंदा नाम हुसैन पे रखदा। हजरत हसन और हुसैन ऐसे खूबसूरत नाम हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखे। नबी पाक ने अपनी मर्जी नाल नहीं लिखे अल्लाह पाक दी मर्जी नाल रखे क्यों क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयू यूहा और तारीख दे अंदर हसन और
हुसैन नबी पाक दे नवासियां तो पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो दे बेटियां तो पहले हसन और हुसैन कहीं बेदा नाम कोई ना, यानी अल्लाह पाक ने खूबसूरत शहजादियां वास्ते एडू खूबसूरत नाम संभाल के रखे हैं। नबी पाक ने फरमाया सम्मई तू हूँ हुसैना, मैं इंदा नाम हुसैन प्या रखदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गुड़ती दीती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अकीका कीता। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो नाल, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार करने हैं। कितना प्यार, अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारे दुरूद पाक पढ़ो सारे। एक फर्द दा नबी ना एक जात दा नबी है, साडा नबी ते लोगों साडा नबी ते लोगों कैनात दा नबी एक फर्द दा नबी ना एक जात दा नबी है, ते महदूद जई नबूवत सोना नहीं लेके आया। महदूद जई नबूवत यानी थोड़ी जई, महदूद जई नबूवत सोना नहीं लेके आया। साडा नबी ते एक फरद दान भी ना एक जात दान भी है। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कितना प्यार है नबी पाक नो, कितनी मुहब्बत है अल्लाह दे पाक पैगंबर को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला एक निवार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल गया। मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर दा दरवाजा खटकाए, अल्लाह दे पाक पैगंबर चादर कीती वदन सर्दियां दी रातां, नबी पाक अपने दरवाजे पाक तो बाहर आन। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जड़ी गुजारिश करनी है गुजारिश की है, वह गुजारिश करन तो बाद मैं नबी पाक को अर्ज करन लगा अल्लाह दे पाक पैगंबर तुहाडे बाजू फुले हुए न, अल्लाह दे महबूब पैगंबर तुहाडी चादर मुबारक ते कमली मुबारक हिलदी पई है, इवें लगदा है जिवें तुसा कई चीज को उठाया होवे। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे न मैं नबी पाक दी मुहब्बत ने हैरान हो गया, मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर दा प्यार ने हैरान हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बोले नहीं, आपने अपनी चादर मुबारक सैड से हटाई है। नबी पाक ने एक हाथ के अंदर सैयदना हसन उठाया होया है, दूजे हाथ के अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर ने हुसैन को उठाया होया है, ते मुहब्बत ते प्यार वदे करन। कई वेले हसन हुसैन मेरे नबी पाक दे कंधियां ते सवार होवेन, कई वेले प्यास लगे ते अल्लाह दे पाक पैगंबर हसन हुसैन को अपनी जुबान चुसवेन। हजरत वकार कितना प्यार है हसन हुसैन दे नाल, कितना शान है नबी पाक दे प्यारे नवासे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दा। मैं एक हदीस पाक तुसां बाप दे सामने पेश करना चाहना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे प्यारे साहबी सैयदना हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मासूम बालन लोगो खेडण दी उम्र होई है, खिलाव वास्ते अल्लाह पाक ने आसमान तो जिब्रील अमीन को भेज दिता है। बात अपनी तरफों नहीं, बात हदीस विचों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे नवासे हजरत हसन हुसैन एक निवार लड़ाई पे करेंदन कुश्ती पे करेंदन आपस दे अंदर प्यार मोहब्बत दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पे फरमेंदन खुज या हसन खुज या हसन खुज या हसन, ए हसन हुसैन को इस तरफों पकड़, ए हसन हुसैन
हुसैन को ई साइड तो पकड़, ए हसन हुसैन को ई साइड तो पकड़। नबी पाक के बाद खड़े करेंदन ते मां जी सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा ज़किया मुज़किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम मोमिनीन दी मां, तमाम मुसलमानां दी मां सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा देख्या खड़े ने मंजर ते मां जी फरमावण लग्या, अल्लाह दे पाक पैगंबर तुसा हसन को खड़े दसेंदे हो के ई साइड तो पकड़, तुसा हसन दी हिमायत खड़े करेंदे हो, हुसैन दी हिमायत क्यों नहीं पे करेंदे। नबी पाक ने फरमाया आयशा ए मुहब्बत ए आयशा दी हुसैन नाल, ए प्यार ए आयशा दी हुसैन नाल, ए क्यों ना करे मुहब्बत आयशा हुसैन दे नाल। नवासा है हुसैन मां आयशा दा, नवासा है हसन मां आयशा दा। मां जी जेड़े वेले ए बात कीती है नबी पाक ने फरमाया आयशा मैं हसन दी हिमायत खड़ा करें हो, आसमान तो जिब्रील अमीन आया है, मैं ए खड़ा दा खुद या हसन, खुद या हसन, आसमान तो जिब्रील आ दे खुद या हुसैन, खुद या हुसैन। हुसैन हसन को ई गिरावणा है, हुसैन हसन को ई खिलावणा है, हुसैन हसन दे नाल ही में लड़ना है, यानी खेलन दी उम्र होई है। आसमान तो अल्लाह जिब्रील भेज रहे हैं हसनो हुसैन को खिलावण वास्ते, क्या शान ते क्या मकाम है हसनो हुसैन दा, क्या इज्जत ते क्या अजमत है। नबी पाक दे प्यारे सहाबी सैयदना याला बिन मुर्रा रजी अल्लाह तआला अन्हो, बड़ी कीमती हदीस पाक है, हजरत याला बिन मुर्रा रजी अल्लाह अन्हो फरमेंदन एक दीवार मदीने पाक दे अंदर नबी पाक दे एक यार ते आप दे गुलाम ते आप दे वफादार ने नबी पाक दी दावत कीती है, अल्लाह दे पाक पैगंबर चंद सहाबे कराम को नाल लागे नबी पाक दावत खावण पवेंदन। हजरत याला बिन मुर्रा फरमेंदन नबी पाक चलदे 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 अल्लाह दे पैगंबर दौड़ पए, नबी पाक दे कदम तेज हो गए, अल्लाह दे पाक पैगंबर सहाबे कराम को पिछू दे थोड़ के जल्दी अगते चले गए। सैयदना याला बिन मुर्रा फरमेंदन असा भी नबी पाक दे पिछो गए, अल्लाह दे पाक पैगंबर किडे वेंदन नबी पाक दौड़ के वदे फरमाए ए हुसैन जरा दौड़ के आ मेरी तरफ, ए हुसैन जरा दौड़ के आ मेरी तरफ। सैयदना याला बिन मुर्रा फरमेंदन मैं ए डिठे मंजर, सैयदना हुसैन मासूम बाल चंद नौजवाना दे नाल खेलदा वदे, चंद बालों दे नाल खेलदा वदे। नबी पाक ने हुसैन को अपने सीने दे नाल लाए ते हदीस बयान करन लगया। सैयदना याला बिन मुर्रा ने मंजर अजीब बयान कीता है, सैयदना याला बिन मुर्रा फरमेंदन मैं नसरा टिका की दे अल्लाह दे पैगंबर दे। नबी पाक ने हजरत हुसैन को उठाए, एक हाथ ठोडी ते रखया है, एक हाथ मथे ते रखया है। सैयदना याला बिन मुर्रा फरमेंदन मैं नबी पाक को देदा वदा, अल्लाह दे पैगंबर हुसैन दी जुबान चुसेंदे भी हैं, अल्लाह दे पैगंबर अपनी जुबान हुसैन को चुसवेंदे भी हैं। मुहब्बत ते प्यार दा अंदाज देखो, नबी पाक ने इथा त्रै जुमले इरशाद फरमाए, आपने फरमाया हुसैन मिनी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन विचो, हुसैन मेरे विचो, हुसैन मेरे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन मेरे अखी दा नूर है, हुसैन मेरे दिल दा चैनो करार है। दूजी बात नबी पाक ने अल्लाह को दुआ की थी, अल्लाह हुसैन नाल मैं मुहब्बत करें, जड़ा बंदा हुसैन नाल मुहब्बत करे अल्लाह सुने तू ही उदे नाल मुहब्बत कर, जड़ा बंदा हुसैन नाल मुहब्बत करे अल्लाह सुने तू ही उदे नाल प्यार कर। मुहतरम समीन त्रीजी बात नबी पाक ने फरमाई, आपने फरमाया मेरे साहबा ए जड़ा मेरा प्यारा नवासा हुसैन है, ये मेरे खूबसूरत नवासियां विचों मेरा एक खूबसूरत नवासा है, ये मुहब्बत है हुसैन दे नाल। आज कोई बंदा दावा करे ए हुसैन नाल मुहब्बत नहीं करें दे, आज कोई बंदा फिक्र बयान करे ए हुसैन नाल प्यार नहीं करें दे, मैं ते अपनी अकीदत दा इजहार करना चाहना वा लोगो, साकू हजरत हुसैन नाल कितना प्यार है, ओए असा तां पत्थर
दे नाल भी प्यार करने हैं जेड़े पत्थर को अल्लाह दे पैगंबर चुम गए असा तो सोटी वाली सुन्नत नाल भी प्यार करने हैं जेड़ी सुन्नत अल्लाह दे पैगंबर सोटी खुतबे दे वक्त उठा के खड़े हैं ओए असा तो दरख्त दे नाल भी प्यार करने हैं जेड़े दरख्त दे नाल नबी पाक को मोहब्बत आई असा पत्थर दे नाल प्यार करने हैं जेड़े पत्थर दे नाल नबी पाक प्यार कर गए ए ते पत्थर को बोसा दे गए सारी कायनात तू पत्थर को चुमदी है वाला सा हुसैन नाल प्यार किवें ना करे सो सारी जान कुर्बान है हजरत हुसैन तो सारी दुनिया दी दौलत कुर्बान है मोहब्बत हुसैन तो सारी कायनात दे रिश्ते कुर्बान है मोहब्बत हुसैन तो सारी कायनात दे ओहदे कुर्बान है प्यारे हुसैन तो सारी कायनात दे दौलत ते पैसे कुर्बान है प्यारे हुसैन तो मैं ते मोहब्बत ते प्यार ओए लख वारी कुर्बान आले नबी तो जड़े करबला विच जाना लुटा गए जाना लुटा गए लख वारी कुर्बान आले नबी तो जड़े करबला विच जाना लुटा गए जाना लुटा गए सबरां दे पीते किवें जाम सैयदां सबरां दे पीते किवें जाम सैयदां रब नाल लाया ला के निभा गए ला के निभा गए ओए बचड़ा अली दा जहरा दा जाया लब जिसनू अपना नाने जुसाया नाने जुसाया ओए लब जिसनू अपना नाने जुसाया कंधियां ते जाके पूरी तकरीर दा खुलासा खड़ा बयान करना ओए कंधियां ते जाके नाना खिड़ा गए रब नाल लाया ला के निभा गए ला के निभा गए ओए असा है हुसैनी साडा हुसैने साडा नूर लैने साडे दिल दा चैने असा है हुसैनी साडा हुसैने साडा नूर लैने साडे दिल दा चैने साडे दिलां ते साडे दिलां ते हसनैन छा गए साडे दिलां ते हसनैन छा गए रब नाल लाया ला के निभा गए ला के निभा गए ओ लख वारी कुर्बान आले नबी तो जेड़े करबला बिच जाना लुटा गए जाना लुटा गए असां बड़ी मोहब्बत करें ने हजरत हुसैन नाल असा हुसैनी क्यों हाँ इस वजह तो क्योंकि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जिहड़ियां पंज नमाज़ां पढ़दे हन उहे पंज पढ़दे हन असा ज़ुहरैन मगरबैन दा मामूल नहीं बनाया असा इस वजह तो हुसैनी हाँ क्योंकि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दा जो अकीदा हा मुश्किल कुशा हाजत रवा दाता दस्तगीर आलिमुल गैब कल्ला अल्लाह है नफे और नुकसान दा मालिक कल्ला अल्लाह है वो अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह साडे कोल मौजूद है असा हुसैनी हाँ जेड़े तीस सिपारियां वाला कुरान सैयदना हुसैन कारी बन के है जेड़े कुरान दे ओ कुरान साडे कोल मौजूद है उस कुरान ते साडा ईमान है एक एक हरफ तो जान कुर्बान है असा हुसैनिया जो हुसैन दा अकीदा हो साडा एवें ही कहंदा मैनू एक बंदा कहंदा जी ए मैं तुहाडी तकरीर एक बंदे नू सुनाईए ते ओ बंदा आदे ए शान ए हुसैन उत्तों उत्तों बयान करदे विचों विचों नहीं विचों विचों को नहीं बयान उत्तों उत्तों बयान असा ते विचों विचों बयान नाले सारा दीन उत्तों आया असा उत्तों वाली शान बयान करदे आ जेड़ी उत्तों आई है अल्लाह ने कुरान पाक च नाज़िल कीती असा ओ शान मन घड़त वाके नहीं आउंदे शान च असा ओ शान बयान करदे आ जेड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कीती असा उतली वाकई ओ शान जो अल्लाह ने अता फरमाई है ओ शान और मकाम ओ इज्जत और अजमत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है असा हजरत हुसैन नु उस तरह मने किसी ते फतवा नहीं लड़ाई ते होनी कोनी इत अमन वाला मरकज है इतने मुहब्बत और प्यार वाला मरकज है इतने किसी से फतवा नहीं असि अपनी मुहब्बत बयान कर रहे हैं हर कोई करे अपनी मुहब्बत बयान सानू किसी से कोई इतराज नहीं जिंज मर्जी मुहब्बत बयान करन कोई अपने आप में चंडा मार के मुहब्बत बयान करे वह अपना तरीका होगा असि कुरान पढ़ के मुहब्बत बयान करेंगे इंशाअल्लाह मुख्तसर मैं करन लगा मुख्तसर पे करें
अगली बात سیدنا ابو بکر صدیق دا دور خلافت آئے شان کیا ہے حضرت حسین دا مقام کیا ہے حضرت حسن دا کتنی محبت ہے کتنا پیار بخاری شریف دی حدیث پاک ہیں ایک نیوار سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہما مسجد نبی دے اندر عصر دی نماز ادا کیتی ہے کیڑی نماز عصر دی حضرت علی عصر دی نماز پڑھ دے آن کیڑی نماز عصر دی قیمتی بات آئیں عصر دی نماز حضرت علی عصر دی نماز پڑھ دے آن اساں پڑھ دے آن جڑے نہیں پڑھ دے وہ جانن اساں پڑھ دے آن الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عصر دی نماز ادا کر کے کیدی امامت دے اندر ابو بکر صدیق دی امامت دے اندر نال نال مسلکی اور منہجی باتاں نہ دساں تے میں سمجھدا ہی ادارے دی ساری محنت اور کوشش اور کاوش دے نال بے وفائی ہو سی نال میں اگر اے منہجی اور عقیدے والے باتاں نہ دساں شیخ یاسین رئی صاحب دی ساری زندگی دی محنت اور شیخ اسماعیل ساجد صاحب دی ساری زندگی دے سفر اور انہاں دی قلم کاری انہاں دی تصنیف دے نال بے وفائی ہو سی اس وجہ تو میں رک رک کے نال نال ایویں چھوٹی چھوٹی گزارش کرندا آنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر دی نماز ادا کیتی عصر دی نماز بخاری شریف دی حدیث پاک ہے کہندی امامت دے اندر ادا کیتی ہے ابو بکر صدیق دی اصحاب ستارے ہیں آقا چل تو من نہ من کوئی زور تا نہیں کوئی زور تا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں کوئی زور تا نہیں اوے صدیق دے جڑے ویری ہیں کم ذاتن شریکڑی ہیں صدیق دے جڑے ویری ہیں کم ذاتن شریکڑی ہیں اوے حیدر دے جڑے ویری ہیں ذاتن شری گڑی ہیں دو زخ دینار دہن ایندھن تو منا نا من کوئی زور تا نہیں کوئی زور تا نہیں نبی پاک دے یار سیدنا ابو بکر صدیق علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نوما عصر دی نماز ادا کر کے آئے محبت بھی کہے آسان دے نال نبی پاک دے یار حضرت ابو بکر نے ویکھے مسجد بار حضرت حسن ودے کھیر دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت ابو بکر آکھن لگے بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن اے حسن تیرے اتوں میرا ماں باپ قربان اے حسن تیرے اتوں میرے والدین قربان بی ابی یا حسن اے حسن تیرے اتوں میرا والد قربان اے محبت دا انداز اے پیار دا انداز اے حضرت حسن حسین کو شان اور مقام اور عزت اور عظمت دینے آن حضرت ابو بکر صدیق بھی وقت انتہائی مختصر ہے میں بات تک تے چلاواں حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ گزریا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آ گئے حضرت عمر کتنی محبت کرنے ہن کتنا پیار کرنے ہن حضرت حسین اور حسن دے نال وقت نہیں کہ میں لمبی تفصیل ایک اشارہ اشارہ بات سنیندا وایاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر دور دے ایک علاقے دے وچوں چند سونے جے جبے تے گھومے آئے نے سونے جے جبے تے کرتے آئے نے حضرت حسن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے او جبے تے کرتے ڈٹھن حضرت عمر تقسیم پہ کرن دین تے حضرت عمر تحفہ پہ دین دین حسن و حسین کو ڈٹھنے پوا کے آکھن لگے نا لوگو جتنا انہاں لوگاں دا شان ہے جتنا انہاں شہزادیاں دا مقام ہے جتنا انہاں شہزادیاں دی
इज्जत है ये सजदे नहीं सूट मैं घिन के आवन चाहना गैर मुल्क दे विचों अच्छे जे सूट हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कपड़े मंगवाए हसन हुसैन वास्ते दूसरे इलाके विचों पवाए ते आखन लगे हुण बड़े खूबसूरत पे लगदे हो ये वाकया क्यों सुनाया इस वजह तो क्योंकि जड़ा उमर इन्हां नौजवानों के कपड़िया का ख्याल करे वह उमर इन्हां नौजवानों का दुश्मन नहीं हो सकता जड़ा उमर इन्हां नौजवानों के कपड़िया का ख्याल करे वह उमर इन्हां नौजवानों का हक मारे इंज नहीं हो सकता जड़ा उमर इन्हां नौजवानों के कपड़िया का ख्याल करे वह उमर इन्हां नौजवानों के नाल हसद ते बुग़्ज़ रखे इंज नहीं हो सकता इंज नहीं हो सकता कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी ये दुहाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी हजरत उस्मान दा दौरे खिलाफत आ गया हसन हुसैन उस्मान दे दरवाजे दे उते बॉडी गार्ड बन के बैठे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठे हुए हैं मुहाफिज बन के बैठे हुए हैं हजरत अली अल मुर्तजा दा दौरे खिलाफत आया हजरत हसन हुसैन हदीसा बयान करने वाले बन गए रिवायात बयान करने वाले बन गए हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु दा दौरे खिलाफत आया हसन हुसैन मुहब्बत प्यार दे डिपू ए मुहब्बत प्यार दे खुलासे हजरत हसन हुसैन हजरत अमीरे मुआविया दे हाथ ते बैत करके सारे लोगों को खड़े आदन लोगो अमीरे मुआविया दे हाथ ते बैत करके नो मैं जड़ी मुहब्बत प्यार दी बोली समझावन चाहां लोगो हसन हुसैन नबी पाक दे नवासे हजरत हसन हुसैन नबी पाक दे दौर दे अंदर भी आली शान वाले अबू बकर दे दौर दे अंदर भी आली शान वाले उमर उस्मान दे दौर दे अंदर भी आली शान वाले अली और मुआविया दे दौर दे अंदर भी आली शान वाले और सुनो नबी पाक दी हदीसे पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती नौजवानों दे सरदार हदीस है के नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी ही हदीस पाक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया अबू बकर और उमर जन्नती बुजुर्गों दे सरदार हैं आदम अलैहि सलातो सलाम तो गिन के कयामत तक जितने लोग आसन जितने लोग नबियों तो इलावा मुरसलीन रसूलों तो इलावा जितने भी बुजुर्ग सन जन्नत के अंदर अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्हां जन्नती बुजुर्गों के सरदार होसन जिमें नबी पाक की इस हदीस से ईमान है ना जनती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन नबी पाक की ई हदीस से भी ईमान है कि जनती बुजुर्गों के सरदार अबू बकर और उमर हैं दिमाग नहीं थकदे दिल च मुहब्बत अंदर इजाफा आंदा क्यों चैन देंदे करार देंदे ना हुसैन दा सीन ठार देंदे चैन देंदे करार देंदे ना हुसैन दा सीन ठार देंदे ओए मेरा ईमान दे यकीने चंगा लगदा उंदे नाने दा दीने ओए साडा ईमान ते यकीने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन है जो हजरत हुसैन नाने दा दीन है क्या मेरी तरफ तवज्जो ओए मेरा ईमान ते यकीन उंदे नाने दा दीने ते जिगर हलाली दा ठार देंदे ना हुसैन दा सीन ठार देंदे
ना हुसैन दासीन ठार देंदे अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमाम उल अंबिया इमाम उल हुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम दे प्यारे साहबी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दी भाई रजब ते 60 हिजरी दे अंदर वफात हुई है जड़े वेले हजरत अमीर मुआविया दी वफात हुई है हजरत हुसैन मदीना पाक दे अंदर मौजूद हैं। कुछ अरसे दे बाद हजरत हुसैन को पैगाम पहुंचे हुसैन यजीद दे हाथ ते बैत कर गिनो हुसैन यजीद दे हक दे अंदर बैत कर गिनो हजरत हुसैन ने मशवरे दा टाइम मंगे लोगो जड़े वेले मशवरे दा टाइम मंगे हजरत हुसैन ने हजरत हुसैन अपने घर दे अंदर आए आके अपने भाई मुहम्मद बिन हनफिया दे नाल मशवरा कासिद बना के रवाना कर दियो मुस्लिम बिन अकील कूफियां दा बन के जैसा जावे क्योंकि कूफी ला यूफी मशहूर हैं इन्हां कूफियां ने हजरत वली दे नाल भी वफा नहीं की थी इन्हां कूफियां ने हजरत हसन दे नाल भी वफा नहीं की थी घर वाले मशवरा देवन लगे ए इमाम हुसैन तुसा कूफे ना वन्यो अपना कासिद रवाना करो जिहड़ा हालात दा जैसा चा के आवे हालात देख के तो को रिपोर्ट पेश करे इमाम मुस्लिम बिन अकील हजरत हुसैन दे कासिद बन के कूफे रवाना हैं चंद दीवारां दे बाद जड़े वेले कूफे दे अंदर पहुंचे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला नो दे कासिद बन के हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील दे उते मारूफ रिवायत दे मुताबिक कई हजार कूफे ने हजरत इमाम हुसैन दे हक दे अंदर बैत कीती है मुस्लिम बिन अकील दे हद दे उते हत्ता के हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखया हजरत हुसैन को ए हुसैन खेती पक चुकी है खेती तैयार हो चुकी है कूफे तुसा आवनो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला नो दे कोल चंद दीवारां दे बाद खत पहुंचे ते एक दीवार टीं दा वगा ते एक बंदा दूर दे इलाके दे विचों मुंह लवेट के मुंह ते पर्दा करके मुंह ते नकाब करके घोड़े ते सवार होके इवें तलदी दे नाल दौड़दा आंदे कूफे दे बाजार दे अंदर दाखिल होए लोग आखन लगे यार हुसैन आ गए हुसैन आ गए हुसैन आ गए जड़े वेले कूफे दे अंदर आके पहुंचे ये अपना नकाब आके उतारे ए उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ए ना मलून इंसान है कूफे दे अंदर आए ते आके उठों दे सरदारां को आखन लगा ओए सरदारो खबरदार 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 हुसैन दे हाथ दे उते बैत कोई ना पिया करे हुसैन दे हक दे अंदर बैत कोई ना पिया करे मुस्लिम बिन अकील दी कीती बैत को त्रोड़ दियो मुस्लिम बिन अकील दे हाथ दे उते जड़ी हुसैन दे हक च बैत कर चुके हो इस बैत को त्रोड़ दियो मोहतरम सामईन कराम मैं अहले बैत दी मजलूमियत जो सुनावण जावां अगर मेरी तरफ तवज्जो करो ते मैं बड़ी कीमती बात समझावण जावां हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील दे हाथ दे उतों सरदार बैत त्रोड़न पै गए हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील दी गिरफ्तारी दा हुक्म हो गए हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील लहानी बिन उरवा दे घर दे अंदर पनाह की दी है वन के उठन लोक गएन उठन दीन दी तबलीग करें दे रियन लोग मुलाकातां वास्ते आंदे रियन की उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने अपने जसूस छोड़ दी तन वन्यो बोलो मुस्लिम बिन अकील कीता है मुस्लिम बिन अकील को गोल के आओ मुस्लिम बिन अकील दी तलाश जारी है एक बुजुर्ग बंदा बाबा है मस्जिद कूफा दे अंदर ए ओ मरकजी मस्जिद कूफे दी जड़ी हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने कूफे अंदर आके तामीर करवाई उस मस्जिद के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जड़ा अहले बैत तारीफा बैठा करें दे जड़ा इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शान बैठा बयान करें दे एक जासूस ही बुजुर्ग दे कोल आ गया ए आखन लगा मैं भी हुसैन दे हाथ बैत करना चाहवा मैं को भी हुसैन नाल बड़ी मुहब्बत है बड़ा प्यार है लिहाजा मेरी इमाम मुस्लिम बिन अकील दे नाल मुलाकात करवाई वजे ताकि मैं हुसैन दे हाथ दे अंदर मुस्लिम बिन अकील दे हाथ दे उते पै आखन लगे हानी बिन उरवा को गिरफ्तार करके गहनाओ हानी बिन उरवा को गिरफ्तार करके गहना है हानी बिन उरवा को पूछन लगे हानी इमाम मुस्लिम बिन अकील दी खबर डे इमाम मुस्लिम बिन अकील की थाए हानी बिन उरवा आखन लगे मेरे इलम दे अंदर नहीं जड़े वेले ए बात हुई है इदो इमाम मुस्लिम बिन अकील को खबर पहुंच गई है कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने हानी बिन उरवा को गिरफ्तार करके दे लिहाजा हुण तुहाडी मौत दी खबर आवण वाली है
ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਗਏ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿੱਥਾਂ ਗਏ ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਬੂੜੀ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾਂ ਖੜਕਾਏ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਰਹਿਮਾਉਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੂੜੀ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਗਣ ਕਾਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੂੜੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅਕੀਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਸਲਮ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਜੇ ਇਹ ਔਰਤ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਫਰਦ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਅਸਾਂ ਕਰ ਗਿਨੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਮਾਂ ਅੱਜ ਵਕਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੂਫਿਆਂ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਕੋ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਣੇ ਵੇਲੇ ਘਿਣ ਕੇ ਆਏ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਕੋ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਏ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਚਾਂਦਨੀ ਮਹਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਾ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾ ਸੈਯਦਨ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਕੋ ਖਤ ਲਿਖ ਚੁਕਾਂ ਕਿ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਕੂਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਾਂਜੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕੂਫੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਐ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੂਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਐ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਐ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੂਫੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕੂਫੀ ਲਾ ਯੂਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੂਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਮਾਰੂਫ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਰਹਿਮਾਉਲਾ ਕੋ ਇਵੇਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਣ ਗਏ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਤਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਐ ਹੁਸੈਨ ਕੂਫੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਬੇਵਫਾ ਹਨ ਕੂਫੇ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਐ ਪਿਆਰੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗਿਣ ਕੇ ਆਸੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਕੋ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕੂਫੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੂਫੇ ਦੀ ਤਰਫ ਮਕਾਮ ਨੈਨਵਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਨਹਿਰੇ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਕਾਮ ਨੈਨਵਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਗਾਲਬਨ ਚਾਰ ਮੁਹਰਮ ਏ ਮਕਾਮ ਨੈਨਵਾ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਮਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਨੇ ਤਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਤਰਫ ਵੰਜਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਆਪ ਮੁਆਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਗਿਣ ਸਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਈ ਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਜਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵੈਸਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਮੱਕੇ ਵੰਜਣ ਦਿਓ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਿਮਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਵੇ ਸਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਥੀ ਗਏ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹੀ ਵ ਇਨਾ ਇਲੈਹੀ ਰਾਜੂਨ
अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा फरमान मिश्का शरीफ के अंदर ही वे पाक मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमान डाम हराम अली असर दे वक्त में को ख्वाब आई है, पिछला टाइम है पिछला पैर है मैं को ख्वाब आई है, ख्वाब के अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम आप दे अखी विच आंसू हैं, आप दा चेहरा सुरख है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून दी बोतल चाती वदन, ख्वाब दे अंदर अल्लाह दे पैगंबर मेरे कोल आए, मैं नबी पाक को अर्ज करन लगा अल्लाह दे पैगंबर ए खून दी बोतल कहंदे वास्ते चाती वदे हो, ए केड़ी चीज दी खून दी बोतल है? नबी पाक ने फरमाया हाजा दमुल हसन दमुल हुसैन व असहाबे ही, ए इब्ने अब्बास ए हुसैन दा खून ते हुसैन दे साथियां दा खून है, ए हुसैन ते हुसैन दे साथियां दा खून है। हुण जिहड़ी बात मैं समझावण चाहना, मैं अकीदा बयान करना चाहना, पूरी तकरीर दा खुलासा बयान करना चाहना, अपने मसलक दा मनहज बयान करना चाहना, इदारे दी तरफों पैगाम देवण चाहना, साडा अकीदा क्या है कातली ने हुसैन दे बारे, साडा अकीदा क्या है गुस्ताखा ने हुसैन दे बारे, साडा अकीदा क्या है दुश्मना ने हुसैन दे बारे, जिहड़े भी बगैर तौबा दे मर गए अल्लाह लानत करे कातली ने हुसैन से, क्यों? क्योंकि मेरी माँ सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी पाक दी वाहिद घर वाली उस वक्त जिंदा ने, जेड़े वेले माँ उम्मे सलमा को पैगाम मिले माँ जी नबी पाक दे प्यारे नवासे हजरत हुसैन को करबल दे मैदान दे अंदर शहीद कर लिता गए, नबी पाक दे प्यारे नवासे हजरत हुसैन को करबल दे मैदान दे अंदर कतल कर लिता गए, जेड़े वेले माँ जी तक पैगाम पहुंचे माँ जी क्या फरमावन लग्या, माँ जी आखन लग्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम दी भा दे नाल उन्हां लोगां दी कब्रां को भर देवे जिन्हां लोगां ने हुसैन को कतल करवाए, जिन्हां लोगां ने हुसैन को कतल कीता, जेड़े लोग हुसैन दे कतल दे उते खुश हो गए, साडा अकीदा भी ओ है साडा ईमान भी ओ है, जेड़ा बंदा भी हुसैन दे कतल दे अंदर शामिल है शुरू तो अकीदा बनाओ, जेड़ा हजरत उमर दे कतल दे अंदर शामिल है शुरू तो अकीदा बनाओ, जेड़ा हजरत उस्मान दे कातलीन दे अंदर शामिल है और बगैर तौबा दे मर गया, जेड़ा हजरत अली दे कातलीन दे अंदर शामिल है, जेड़ा हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कातलीन दे अंदर शामिल है, जेड़ा हजरत हुसैन दे कातलीन दे अंदर शामिल है, उस जालिम ते दरिंदे नाल साडा कई किस्मी कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह दी भी लाना ते ओदे उते जमीन वाले दी भी लाना ते सारी कायनात दी लाना ते, हुसैन अज भी जिंदाबाद हुसैन कल भी जिंदाबाद, नबी दे अहले बैत अज भी जिंदाबाद, नबी दे अहले बैत कल भी जिंदाबाद, नबी दे सहाबा अज भी जिंदाबाद, नबी दे सहाबा कल भी जिंदाबाद, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। दुश्मना ने हुसैन दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह साडा कोई ताल्लुक नहीं, जिहड़ा आदे साडा कोई ताल्लुक नहीं, चाहो जरा हाथ साडा कोई ताल्लुक नहीं, मैं शेख साहब दी सरप्रस्ती और शेख साहब दी ए पूरे मरकज दा पैगाम है, पूरी जमात दा पैगाम है, ना दुश्मना ने सहाबा दे नाल साडा कोई ताल्लुक है ते ना अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मना ने अहले बैत दे नाल साडा ताल्लुक है, असा नौकर हां अहले बैत दे, असा गुलाम हां अहले बैत दे, और असा नौकर हां सहाबाए कराम दे, असा गुलाम हां सहाबाए कराम दे, अल्लाह पाक तो दुआ भी या करने आ अल्लाह पाक सारी जिंदगी अहले बैत दी नौकरी दे अंदर जिंदा रखे और मौत देवे सहाबा और अहले बैत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी अंदर मौत देवे, अल्लाह पाक तो दुआ करने हैं, जो कुछ सुने सुनाए अल्लाह अमल की तौफीक देवे, जो कुछ अच्छे अल्फाज बोले अल्लाह पाक की रहमत दे नाल, अगर कोई गलत जुमले अदा हो गए बशरा इंसान गलती हो सकती है अल्लाह पाक मुआफ़ फरमावे, अल्लाह पाक की इदारे को ता क्यामत आबाद और शादबाद फरमावे, अल्लाह पाक की इदारे दे तमाम मुआमिनीन दे मेहनत कोशिशां काविशां अपनी बारगाह आलिया दे अंदर कबूलो मंजूर फरमावे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इदारे दे अंदर पढ़ने वाले तलबा
علمائے کرام اللہ رب العالمین انہاں کامیابیاں دے نال سرفراز اور ہمکنار فرماوے اور اللہ رب العالمین این ادارے دے جتنے بھی طلبائے کرام پڑھتے پین جڑے لوگ تعاون کریں دن اللہ انہاں دے والدین اور انہاں لوگاں واسطے صدقہ جاریہ بناوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بندی تے نہیں لیکن بھائی جان دا حکم ہے ایک نا تے صرف میں اودے جملے سنا دینا حکم ٹکم 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 خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا ساڈے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کسے دا حسن و جمال صرف شیر نہیں ساڈا عقیدہ ہے دو شیر میں سناونا اور دوواں شیراں وچ عقیدہ ہے بڑا قیمتی عقیدہ ہے توجہ کرنی ہے میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں توجہ فلک دا چن تے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن اوئے فلک دا چن تے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن فلک تو لے کے فرش توڑی عرش تو لے کے فرش توڑی کتے بھی مل دی مثال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں بڑا عقیدے والا جملہ اور تواڈی اور علماء کرام دی خصوصی توجہ تواڈیاں دعاواں نال اوئے کوئی بھاویں ملا کوئی بھاویں پیرے کوئی بھاویں دشمن کوئی بھاویں ویرے کوئی بھاویں ملا کوئی بھاویں پیرے کوئی بھاویں دشمن کوئی بھاویں ویرے کوئی بھاویں دشمن کوئی بھاویں ویرے جو اس دی سنت توجہ جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں جو اس دی سنت جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں تے ایک کانڈ ہی تو کو دیونا ہے تسا میرے سر کی براو زیادہ تر کانڈا دیونا تو کانڈا سمجھ دیو دعوت ایک بندہ سمجھ بیٹھا ہے دعوت دیونی ہے دعوت دیونی ہے 31 اکتوبر علی کانفرنس دی سارے اوسو انشاءاللہ دیویں آدیو جی میں چندہ کٹھا کرنا ہے سارے اوسو انشاءاللہ دیو چیہ کو نا سارے اوسو تسا دے آپ آنے نال ساتھیں کو گن کے اوسو انشاءاللہ اچھی آپ کو عزیز ساتھیو الحمدللہ اے پاکستان دے آئیک نامور کانفرنساں دے وچوں نامور الحمدللہ بہترین کانفرنس ہوندی ہے جن دے اندر جید علماء کرام الحمدللہ بیانات فرمیندن اور بڑے بڑے تاریخی بیانات ہیں ان کانفرنس دے یادگار بیانات ہیں جنہوں کو دنیا آج بھی یاد کریں دیئے اور انشاءاللہ العزیز آون علیہ کئی صدیوں تک دنیا یاد کریں دی راسی تساں تشریف گن کے آسو ولا انشاءاللہ ہولی آ دیو علامنا دے تساں تشریف گن کے آسو نال ساتھیں کو دوستو حباب کو دعوت دے کے آسو اللہ پاک تو آمن قبول و منظور فرماوے انشاءاللہ 31 اکتوبر بروز اتوار انشاءاللہ بعد از نمازے مغرب انشاءاللہ باقی تفصیلاً اعلان بھائی عطا الرحمان ساجے سب کریسن اللہ پاک قبول و منظور فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا جی ماشاءاللہ آپ حضرات نے
मसलके अहले हदीस के दो अजीम सितारे जिनके खिताबात आपने समाअत फरमाए, अल्लाह ताला इनका आना इस मरकज के अंदर शर्फ़ कबूलियत फरमाए और इनकी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला बरकात का नुज़ूल फरमाए। तो इंशाअल्लाह जिस तरह आप अहबाब ने भाई अब्दुल्ला सल्फी हाफिज़ाहुल्लाह से सुन लिया है कि 31 अक्टूबर को सालाना कॉन्फ्रेंस इस मरकज़ के अंदर जो कायम दायम पिछले कई सालों से भी होती रही है, तो इंशाअल्लाह इस साल 31 अक्टूबर को जो है वो कॉन्फ्रेंस होगी। तो तमाम अहबाब अपने दोस्तों अहबाब के साथ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत फरमाए और जो अहबाब इधर तशरीफ लाए अल्लाह ताला उनकी भी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। और इसी तरह जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम के लिए इस मिशन के लिए हमारी यूथ के साथ तआवुन किया है, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं। उन्हीं की मेहनत की वजह से आज इतना बड़ा मजमा और 10 मुहर्रम को पहली दफा इस मरकज के अंदर प्रोग्राम हुआ है, उन तमाम को सलूट पेश करता हूं और इंशाल्लाह इसी तरह ये मिशन जारी और सारी है। अल्लाह ताला तमाम की हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। अब दुआ के लिए दावत देता हूँ फदीलतु शेख बकियतु सलफ वली कामिल हजरत मौलाना मोहम्मद यासिन राही हाफिज़हुल्लाह ताला। या रब्बि लक अलहम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका वअज़ीम सुल्तानिका, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة। اے اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما। या अल्लाह नौजवान उलमाए कराम ने खिताबात फरमाए और जामपुर में इनका आना, आपका यहाँ तशरीफ़ लाना और उनके खिताबात को सुनना, ये अल्लाह ताला के यहाँ यकीनन कबूलियत का बायस होगा। अल्लाह ताला इसी तरह प्रोग्राम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। और 31 अक्टूबर इतवार सालाना कॉन्फ्रेंस के बारे में जो ऐलान हुआ है उसके लिए भी दुआ करें अल्लाह हमारे उस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। अताउर रहमान अबू बकर उस्मान और उनके रफ़का ने इस प्रोग्राम के इनेकात के लिए मेहनत की, कोशिश की, या अल्लाह उनकी मेहनत और कोशिश को कबूल फरमा। और उलमा नौजवान उलमा ने बयान किया है, अल्लाह हमारे सामेईन का उस बयान बयानात को सुनना और उस पर अमल करना उनके लिए भी हमारे लिए भी सब के लिए आसान फरमा। या अल्लाह इस मरकज़ को रहती दुनिया तक आबाद और शाद फरमा। या हय्यु या क्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, सबकी बीमारियां दूर फरमा। जो मुसलमान मर्द औरतें फौत होकर इस जहान को छोड़ गए अल्लाह सबकी मगफिरत और बख्शिश फरमा, सबकी हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों के नेक इरादे पूरे फरमा, हमें हर किस्म के शर शैतानी शर इंसानी से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत रासिख कर दे। या अल्लाह हमारे दिलों को हर किस्म के हसद और कदूरतों से पाक कर दे। या हय्यु या क्यूम हमारी दुनिया और आखिरत को संवार दे। या अल्लाह हमें अज़ाब कब्र और जहन्नम से पनाह अता फरमा। या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा है ये भी अता फरमा और जो नहीं मांग सके और वो हमारे लिए बेहतर है हमें वो भी अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।